मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। बिल्कुल इसी तरह इनके जैसी अदाकाराएं भी कभी कभी ही देखने को मिलती हैं। तो जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल। जब ये अदाकारा हिंदी फिल्मों में काम करने मुंबई आई, तब रुपहले पर्दे पर नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला और नूतन जैसी अदाकाराएं अपने जलवे बिखेर रही थीं। लगभग इन्हीं के साथ वैजयंती माला और वहीदा रहमान भी आ गईं। इन सब के बीच अपनी पहचान बनाना बेहद कठिन काम था। पर इस अदाकारा का कमाल ही कहना होगा कि वो पूरी तरह से कामयाब रहीं। जब जब वो पर्दे पर दिखीं, तब तब वाहवाही लूटी। हिंदी सिनेमा में कदम रखते ही इन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दीं। हुस्न और एक्टिंग के हुनर से इन्होंने कई दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। हालांकि एक समय इनके चेहरे को देखकर एक निर्माता ने तंज कसते हुए ये बोल दिया था कि अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है, ये शक्ल लेकर तुम हीरोइन बनोगी। पर इस अदाकारा ने इस फब्ती को भी अपनी ताकत बनाया और रुपहले पर्दे पर ऐसी चमक बिखेरी जो आज भी कायम है। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा था जब उन्हें नेशनल क्रश कहा जाता था। इस अदाकारा का नाम है माला सिन्हा। माला सिन्हा के चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी, वो दर्शकों के दिलों पर राज किया करती थीं। मैं भी उसका दिल ले लूंगी कल को इंशाल्लाह। उनकी एक्टिंग और गायकी के लोग दीवाने थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि इस एक्ट्रेस के फैंस को भी हैरान कर दिया। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। माला सिन्हा के घर के बाथरूम में लाखों रुपए मिले थे, जिसके लिए माला सिन्हा ने ऐसी बात कही थी कि जब ये बात लोगों ने सुनी तो लोग दंग रह गए थे। आज हम आपको माला सिन्हा के बचपन से लेकर फिल्मी करियर के साथ साथ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्मटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत। 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में जन्मी माला सिन्हा के पिता बंगाली क्रिश्चियन और माँ नेपाली थीं। उनके बचपन का नाम आल्डा था। स्कूल में बच्चे उन्हें डालडा डालडा कहकर चिढ़ाते थे। वहीं माला के माता पिता उन्हें बेबी कहते थे, इसलिए कई दोस्त उन्हें डालडा सिन्हा तो कई बेबी सिन्हा कहने लगे। माला बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी थीं। उन्हें गाना गाना, डांस करना और अभिनय करना बहुत अच्छा लगता था। प्यार हंस कर मेरी आँखों में सवर जाता है। माला सिन्हा ने ऑल इंडिया रेडियो के कोलकाता केंद्र से गायिका के रूप में अपना करियर शुरू किया। माला खूबसूरत तो थी ही, इसलिए किसी ने उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी और माला जल्दी ही बंगला फिल्मों के माध्यम से रुपहले पर्दे पर पहुंच गईं। उन्होंने बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी में बतौर बाल कलाकार काम किया। एक बार एक निर्माता के पास जब वो गईं तो निर्माता ने उनसे कहा कि पहले शीशे में जाकर अपना चेहरा तो देखो, ऐसी भद्दी नाक को लेकर हीरोइन बनने का सपना देखती हो। माला को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक बार माला एक बंगाली फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में मुंबई गईं। यहाँ उनकी मुलाकात उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली से हुई। उन्होंने माला को निर्देशक केदार शर्मा से मिलवाया। कहा जाता है कि माला के करियर को आगे बढ़ाने में
केदार शर्मा ने बहुत मदद की। उन्होंने माला को अपनी फिल्म रंगीन रातें में बतौर अभिनेत्री काम दिया। प्यार का जादू हम पे चला के याला याला दिल ले गया। सपनों की नगरी मुंबई ने माला सिन्हा को पहचान दिला दी। एक दिन अचानक माला सिन्हा की मुलाकात गुरुदत्त से हो गई। गुरुदत्त ने माला सिन्हा की खूबसूरती देखकर उन्हें फिल्म में लेने का मन बना लिया और फिर साल 1957 में आई फिल्म प्यासा में माला सिन्हा को कास्ट किया गया। इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त ही थे। फिल्म रिलीज हुई और हिट हो गई। फिल्म प्यासा से माला को नई पहचान मिल गई। फिर क्या था, माला सिन्हा के पास फिल्मों के ऑफर्स की झड़ी लग गई। इसके बाद उन्होंने हैमलेट, बादशाह, रियासत, एकादशी, झांसी की रानी, पैसा ही पैसा और एक शोला जैसी फिल्मों में अभिनय किया। दर्शकों के दिलों पर अब माला सिन्हा राज करने लगी थीं। तीनों से अहदे वफा चाहते हो, बड़े ना समझ हो। दरअसल माला सिन्हा में हर तरह की भूमिका निभाने की क्षमता थी। यही वजह है कि उस वक्त के हर डायरेक्टर ने उनके साथ काम किया। केदार शर्मा, विमल रॉय, सोहराब मोदी, बीआर चोपड़ा, यश चोपड़ा, अरविंद सेन, रामानंद सागर, शक्ति सामंत, गुरु दत्त, विजय भट्ट, ऋषिकेश मुखर्जी, सुबोध मुखर्जी और सत्येन बोस जैसे बड़े बड़े निर्देशकों ने माला को अपनी फिल्मों की हीरोइन बनाया। होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। माला सिन्हा ने हर तरह की भूमिकाएं निभाई, लेकिन ऐसी पारिवारिक फिल्में करने में वे बड़ी दक्ष थीं, जिन्हें देखकर महिलाएं आंसू बहाने लगती थीं। उस दौर में माला की आंखें नम कर देने की क्षमता का भरपूर उपयोग किया गया। अपने ज़माने के हर नामी हीरो के साथ माला सिन्हा ने बतौर नायिका काम किया। शायद ही कोई ऐसा हीरो रहा हो जिसने उनके साथ फिल्म न की हो। उनकी कुछ खास फिल्मों में प्यासा, धूल का फूल, पतंगा, हरियाली और रास्ता, अनपढ़, गुमराह, बहुरानी, जहां आरा, नीला आकाश, हिमालय की गोद में, बहारें फिर भी आएंगी, मेरे हुजूर, संजोग और 36 घंटे जैसी फिल्में हैं। खूब नाम और पैसा कमाने वाली अभिनेत्री माला सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद कंजूस थीं। सिर्फ यही नहीं, सिनेमा जगत के गलियारों में खबरें थीं कि नौकरों पर खर्च बचाने के लिए माला सिन्हा अपने घर में खुद ही काम किया करती थीं। एक बार माला सिन्हा के मुंबई स्थित घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। इस दौरान उनके बाथरूम की दीवार से लगभग 12 लाख रुपए बरामद हुए थे, जो उस जमाने में बहुत मायने रखते थे। ये रकम बहुत बड़ी थी। इनकम टैक्स के अधिकारी इस पैसे को जब्त करने की बात कर रहे थे। इस पैसे को बचाने के लिए माला सिन्हा ने अदालत में बेहद हैरान कर देने वाला बयान लिख कर दे डाला था, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए थे। माला सिन्हा ने इन पैसों को बचाने के लिए लिख कर दिया था कि उन्होंने वेश्यावृत्ति करके ये पैसे कमाए हैं। कहा जाता है कि माला सिन्हा के पिता अल्बर्ट इन रुपयों को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वकील की यह सलाह अपनाई और माला सिन्हा ने यह बयान दे डाला। इसके बाद माला सिन्हा को लोग गलत निगाह से देखने लगे। फिर साल 1966 में माला सिन्हा ने एक नेपाली एक्टर चिदंबर प्रसाद लोहानी से शादी रचा ली। माला और चिदंबर की एक बेटी हुई जिनका नाम है प्रतिभा सिन्हा। प्रतिभा सिन्हा भी फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस नज़र आ चुकी हैं, पर उन्हें उस तरह की सफलता कभी नहीं मिल पाई जैसी माला सिन्हा को मिली थी। माला सिन्हा की पहली फिल्म साल 1954 में आई थी और 1985 तक वो लगातार काम करती रहीं। साल 1985 में दिल तुझको दिया फिल्म करने के बाद माला को लगा कि बढ़ती उम्र और ग्लैमर के अभाव में उनका ज़माना सिमट गया है। माँ और दीदी जैसे कैरेक्टर रोल में वो आना नहीं चाहती थीं, इसलिए उन्होंने फिल्मों से छुट्टी ले ली। साल 1991 में राकेश रोशन ने उन्हें खेल फिल्म में
फिर से कैमरे के सामने लाने में सफलता पाई। इसके बाद उन्होंने दो फिल्में राधा का संगम और जिद की। उसके बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया और वो लाइमलाइट से हमेशा के लिए दूर हो गईं। आजकल वो अपनी बेटी के साथ मुंबई में ही रह रही हैं। फिल्मटेनमेंट की पूरी टीम उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। माला सिन्हा जी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।